जिले की सभी नदियों का जलस्तर अब निचले स्तर पर आने के कगार पर आ गई है। राप्ती, घाघरा और सरयू नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। वहीं राप्ती नदी भी खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर नीचे आ गई है, जिसके संबंध में आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने बताया कि नदियों के जलस्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। राप्ती नदी अब खतरे के निशान से नीचे आ गई है तथा आने वाले 2 से 4 दिनों में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन बाढ़ प्रभावित गाँवों में अभी भी पानी लगा हुआ है, वहां पर नगर निगम की टीम के द्वारा छिड़काव, फॉगिंग व सफाई लगातार किया जा रहा है तथा पशुपालन विभाग द्वारा चारा और भूसा की भी व्यवस्था की जा रही है और जो भी तहसीलों से डिमांड आ रही है उसको पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 1,14,000 राशन किट का वितरण किया जा चुका है। कहीं से भी कोई जन या पशुधन हानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए नदियाँ सभी लगातार घट रही हैं। इस समय जो हमारी घाघरा नदी है वो भी अयोध्या पे घट रही है और थोड़ा भी यहाँ पर क्या कहते हैं तुर्तीपार पे थोड़ी नदी का घटाव वहाँ पर भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ डेंजर लेवल से ऊपर है। राप्ती डेंजर लेवल से नीचे आ गई है। गोर्रा भी ऑलमोस्ट डेंजर लेवल के करीब बह रही है, थोड़ी सी ऊपर है। तो अभी लगातार नदियों का ट्रेंड घट रहा है और आने वाले 2-4 दिनों में सभी नदियां अपने मेन कोर्स में आ जाएंगी और धीरे धीरे पूरी जो बाढ़ की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। सर, बाढ़ प्रभावित गांवों की क्या स्थिति है? बाढ़ प्रभावित ग्रामों में लगातार जहां पानी रिसीड किया है वहां पर डीएम साहब ने जिला पंचायती राज अधिकारी साहब को निर्देशित किया है कि वो लगातार वहाँ पर फॉगिंग और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। जो शहरी क्षेत्र से आच्छादित ग्राम हैं और पोर्शन है वहाँ पर नगर आयुक्त साहब की टीम और नगर निगम की टीम वहाँ पर कार्य कर रही है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी ये सिचुएशन ऐसी अराइज है वहाँ पर सफाई व्यवस्था कराई जा रही है और जहाँ कहीं और राशन या किसी प्रकार की और संसाधन की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा भूसे चारे इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो हर तरीके से जहाँ भी यथासंभव जो भी डिमांड आ रही है तहसीलों से उसको पूरा किया जा रहा है। सर, अभी तक कितने राशन किट वितरण किया है? देखिए अभी तक हमारे वहाँ तकरीबन 1,14,000 राशन किट वितरित किए गए हैं और आज भी कुछ राशन किट वितरित किए जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने की स्टेज में है। तो जितनी भी राशन किट की डिमांड तहसीलों द्वारा की गई थी उसके अनुसार उन्हें राशन किट उपलब्ध कराया जा रहा है।